Hello class 12th, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. As you all know that we have started our next chapter named as the EMI just after completing the magnetism. सो मैग्नेटिज्म को हम लोगों ने डील किया है, हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसमें जो भी कंटेंट हमारे न्यू सिलेबस में थे मींस फॉर द 2021 सेशन मींस 2021 एग्जाम के लिए यानी 2021 एग्जाम सेशन में जो भी हमारा रिडक्शन ऑफ सिलेबस था उसके बाद हम लोगों ने एवरीथिंग को डील किया. ओके, जो रिमूव हुए उसके ओवरव्यू और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोगों ने बात की. ओके, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, द लिंक फॉर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो. एक एनिमेटेड वीडियो है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की है आप लोगों के साथ, तो वैसे तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर उस चीज को चेकआउट कर सकते हैं. द वीडियो इन द प्ले लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स की प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा. That video talks about the mostly of the earth magnetism. तो हम लोगों ने तो earth magnetism में केवल एक overview देखा है, but उस video में cover up करने की कोशिश की गई है कि what are the main concepts, कुछ ऐसे concepts हैं, कुछ ऐसी नई चीजें हैं जो हमें earth के magnetism के बारे में पता चलेंगी. और उसमें जो बहुत interesting point है वो आप लोगों को अगर देखेंगे और अगर आप लोग उसको एनालाइज करेंगे तो वहां पे बात की गई है कि जो हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ और हमारे मैग्नेटिक साउथ हैं वो अब फिक्स नहीं है, मतलब वो ट्विस्टेड होते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर. यानी ईयर बाय ईयर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी बदल रही है, बिकॉज उसके ऊपर सोलर सन की सोलर विंड का भी असर होता है. तो इस वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड टिल्ड और पीछे की तरफ जाती हुई टेल की तरह दिखाई देगी. एक तो वो कॉन्सेप्ट है, दूसरा कि हमारे अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स स्विफ्ट हो रहे हैं, ट्विस्ट हो रहे हैं ईयर बाय ईयर, वो चीज बेंड होती जा रही है बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन और द सम चेंजेस इन द यूनिवर्स के अंदर. जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह पे असर डालते हैं. तो इसकी वजह से हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट में वो कैरेक्टर्स बदल रहे हैं. यानी हमारा नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट होता जा रहा है मैग्नेटिक साउथ. एंड इट इज बीन एक्सपेक्टेड बाय द साइंटिस्ट दैट आफ्टर नेक्स्ट 4200 years means next 4200 years के बाद हमारे magnetic north और magnetic south switch हो जाएंगे. ये expected और prediction है. तो इसके लिए आप लोगों को तो tension नहीं लेनी क्योंकि human being का average life 100 years तक होता है और ये switch होने का जो concept है यानी हमारे magnetic north और magnetic south बिल्कुल switch हो जाएंगे ये 4200 years के बाद की है. तो हम लोग safe हैं इस बात को लेके, but एक interesting point है तो प्लीज एक बार उसको चेकआउट जरूर करना. नाउ सिंस वी हैव स्टार्टेड द वी हैव डिस्कस्ड द वन लेक्चर ऑन द ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया. एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने फैराडे के कॉन्सेप्ट को डील किया, जहां पे हमें ईएमआई के बारे में यानी उसके लॉस के बारे में पता चला. तो आप देखो चीजें बिल्कुल क्लियर है. अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो ओवरव्यू यही था that EMF induce, EMF यानी potential difference electromotive force of the circuit is always being equal to rate of change of magnetic flux. हाँ, जहाँ पे number of turns अगर आप ज़्यादा दे देते हो तो आप लोग n से multiply करेंगे. Okay, so now where the flux is equal to B A cos theta. यानी concept simple था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप लोग ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हो. और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो सर्किट में क्या एग्जिस्ट करेगा, सर्किट में करंट विल एग्जिस्ट. सो कॉन्सेप्ट और हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर है और इस पूरे चैप्टर में यही चीज आपको दोहरानी है बार बार. यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. एंड व्हाट यू हैव टू रिपीट दैट ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा. और फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हो, यानी आप लोग देखेंगे कि फ्लक्स जो है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर. नंबर वन मैग्नेटिक फील्ड, नंबर टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल, एंड नंबर थ्री एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो सीधी सी बात है, हमारे पास फ्लक्स को चेंज करने के तीन तरीके हैं.
यानी सी आप तीन तरीके से फाई चेंज कर सकते हो, और फाई चेंज कर सकते हैं तो आप ईएमएफ बना सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं और अभी आपसे अगर मैं स्टार्ट करूं तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक मतलब बेसिक से शुरू करेंगे और इसे कंटिन्यू लेके जाएंगे, एंड दैट टॉपिक इज मैथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। सो माई क्वेश्चन इज डायरेक्ट एंड सिंपल कि आप लोग ईएमएफ को यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को जिसकी वजह से आगे जाके करंट बनेगा, तो सिंपल क्वेश्चन है दैट कि आप लोग करंट को कैसे इंड्यूस यानी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो सीधा सा रूल है, करंट बनाना है तो ईएमएफ चाहिए, और अगर ईएमएफ बनाना है सो देयर शुड बी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सवाल ये उठता है कि फ्लक्स कैसे चेंज करेंगे, तो हमारे पास थ्री मैथड्स है टू चेंज द फ्लक्स। नंबर वन, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कीजिए, और वो हम लोगों ने देख लिया कैसे चेंज किया था। ये हम लोगों ने फैराडे के लॉ में देखा था, हमारे पास एक कॉइल था और हम मैग्नेट को कभी फॉरवर्ड और कभी बैकवर्ड मूव कर रहे थे, कभी नॉर्थ पोल पास ला रहे थे कभी साउथ पोल, वो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो ये क्या रिस्पॉन्सिबल है, जब आप उसे पास लेके आएंगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हो, जब दूर लेके जा रहे हो तो डिक्रीज कर रहे हो, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ बनेगा तो करंट बनेगा। गॉट दैट? व्हाट इज द सेकंड मेथड, दूसरा तरीका क्या है फ्लक्स चेंज करने का? बाय चेंजिंग द एरिया। बाय चेंजिंग द एरिया यानी मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी, यानी मैग्नेट को वही रखेंगे, हम लोग मैग्नेट को स्विच या मैग्नेट को आगे पीछे मूव नहीं करेंगे। सेकेंडली, थीटा भी नहीं चेंज करेंगे, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंगल चेंज नहीं करेंगे, बस एक चीज करेंगे, हम कॉइल का एरिया चेंज करेंगे बाय एनी टेक्निक, हम उसके लिए कोई भी टेक्निक लगाएं, बट हमारा फैक्टर और हमारा मेन मोटो यही होगा दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द एरिया, हम एरिया को बढ़ाने की कोशिश करेंगे या घटाने का कोशिश करेंगे। तो अगर एरिया चेंज होता है तो फिर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, तो करंट बनेगा। एंड व्हाट इज द थर्ड लास्ट पॉसिबल, बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल बदलो, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लग रहा है, तो उन दोनों के बीच के एंगल को चेंज कीजिए। अब अगर उन दोनों के बीच के एंगल को चेंज करना है तो एक चीज को रोटेट करना पड़ेगा, हमें उसे घुमाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो घूमेगी तो दोनों में एंगल बदले। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका लेफ्ट से राइट लग रहा है, ओके, कॉइल पहले ऐसे था, अब आप कॉइल को घुमा दीजिए, अगर आपका कॉइल घूमता जाएगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी जाएगी, और इस वजह से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ हर बार क्या चीज चेंज करते जाएंगे, यू विल चेंज द थीटा, एंड व्हेन यू चेंज द थीटा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ एंड देन करंट। तो यानी हमारे पास ईएमएफ को इंड्यूस करने के थ्री टेक्निक्स हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख ली, ये लेंजेस का या फिर आप बोल सकते हो फैराडे का बेसिक एक्सपेरिमेंट था। अब हम लोग इन दो टॉपिक्स पे पर्टिकुलरली ध्यान देंगे, यानी हम लोग ईएमएफ बनाएंगे फर्स्टली एरिया को चेंज करके, सेकेंडली एंगल को चेंज करके। तो यानी ये जो टॉपिक मैं आपके साथ अभी बात की है, ये हमारे फ्यूचर प्लान है कि हम लोग करने क्या वाले हैं, और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू इंड्यूस द ईएमएफ। इस लेक्चर में हम लोग ईएमएफ को इंड्यूस करने जाएंगे, बट हाउ, बाय चेंजिंग द व्हाट, एरिया, एरिया को चेंज करके हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, एरिया को चेंज करके, ना बी चेंज होगा ना एंगल चेंज होगा, तो ना आप उसे घुमाएंगे ना आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, यानी आगे पीछे कुछ मूव नहीं करना, बस एरिया को चेंज करेंगे, यानी कॉइल का एरिया कभी ज्यादा कभी कम, एंड बाय दिस मैनर हम लोग ट्राई करेंगे और उसका फिर ईएमएफ का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। होप यू विल गेट इट, आपको क्लियर हुआ है कि आज हमारा मोटो क्या है, दैट वी आर गोइंग टू इंड्यूस द ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। सो आप लोग पहली बात तो इसे नोटेड डाउन कर सकते हो, तो पहला फर्स्ट टॉपिक तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए आज के लिए, दैट द मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग द ईएमएफ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आज एरिया देखते हैं, एंड फ्यूचर में थीटा पे भी काम करेंगे। गॉट दैट पॉइंट? ओके,
So let's start with that we are going to induce the EMF by changing the area. And that method, जब आप लोग area को change करके EMF induce करते हैं, we call specially that EMF as motional EMF. तो इसलिए specially हम लोग इस EMF को, देखो EMF ही बनने वाला है, but इसको आप लोग particularly एक name से remember रखेंगे और एक particular name बुलाएंगे और उसका नाम क्या होगा? Motional EMF. चलिए एक बार उसके बारे में बात करते हैं. तो definitely EMF बनाना है तो magnetic field तो चाहिए. So let's suppose I have a uniform magnetic field. मेरे पास क्या है? एक uniform magnetic field का setup है. Here. Okay, you all know very well that whenever that cross sign is being used, it means the magnetic field is inward. Magnetic field kahan hai? Andar. Okay, in this uniform magnetic field, I have been placing a rectangular coil. So, is uniform magnetic field mein, main ek rectangular coil ko place karne wala hoon. Dhyan se dekhenge, please. I'm going to place a rectangular coil here. Okay. The name of the coil is P, Q, R and S. So what we have? We have a rectangular coil named as a P, Q, R, S such that the one of the arm of this coil, इस coil का जो एक arm है जो मैंने आपके साथ slash या फिर जो भी कह सकते हो आप लोग थोड़ा सा अलग बनाने का कोशिश किया, this Q, R arm. तो ये rectangular coil का जो Q, R arm है, This arm is movable. इस बात को आपको याद रखना है. तो हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने एक rectangular coil लिया है और उस rectangular coil का एक arm कुछ इस तरीके से लिया है जिसे हम लोग easily move कर सके. तो I think आप इसका factor और इसका responsible समझ पा रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा क्यों लिया कि अगर हम इस arm को move करते हैं, अगर मैं इसे दूर लेके जाता हूं तो देखिए coil का area बढ़ रहा है. और अगर एरिया बढ़ रहा है तो जहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले दो जा रही थी, यानी पहले फ्लक्स दो था, अब फ्लक्स फोर हो गए, आगे सिक्स होते जाएंगे. यानी हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं और आइदर वी कैन डिक्रीज द एरिया. तो एरिया को कम ज्यादा करने के लिए हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कॉइल का एक आर्म कैसे रखा? मूवेबल रखा, ताकि इजिली हम लोग उसे मूव कर सके. क्लियर? सो व्हाट वी हैव लेट अस कंसीडर a rectangular coil with what? Movable arm of length L. तो हम लोगों ने एक ऐसा rectangular coil लिया है जिसका एक arm movable है और जो arm movable है उसका length L है. So L is the length of this movable arm. ठीक है, तो rectangle तो मैंने यहाँ पे represent कर लिया है. And it is being placed in uniform magnetic field B. और आप लोगों ने इसे uniform magnetic field B में रखा है, और वो भी कैसे? Normally. That जो coil आप लोगों ने uniform magnetic field में रखी है, that coil is normal to the magnetic field. Check this out. Magnetic field कहाँ लग रहा है? Inward लग रहा है. और coil हम लोगों ने ऐसे रखा है. So magnetic field is acting inward and this is the coil. So it is being normal to the coil area. Coil के area के साथ perpendicular है. इस बात को याद. यानी coil के surface के साथ perpendicular है. तो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है. मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ परपेंडिकुलर है? सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है. तो एरिया वेक्टर के अलोंग ही होगी डेफिनेटली. ये तो आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. और हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल जीरो होगा. इस बात को याद रखेंगे प्लीज एवरीवन. ओके, चलिए अब यहां से हम लोग ईएमएफ को इंड्यूस करने के बारे में सोचते हैं. सो लेट द क्यू आर आर्म, जो हमारी क्यू आर आर्म है जो कि मूवेबल है, इज मूविंग आउटवर्ड. कैसे मूव कर रही है? आउटवर्ड मूव कर रही है विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी.
यूनिफॉर्म वी वेलोसिटी से बाहर की तरफ मूव कर रही है। तो चलिए मैं इसे बाहर की तरफ मूव करवाता हूं। सो माय मूवेबल आर्म, जो हमारी मूवेबल आर्म है, बाकी आर्म और बाकी एजेस उस कॉइल के फिक्स है, बट एक ही ऐसी कॉइल है जो आराम से मूव, एक आर्म ऐसा है जो मूव कर सकता है। तो चलिए उसे मूव करते हैं, बट किस से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मैं मूव कर रहा हूं। और मैं कहां मूव कर रहा हूं? मैं उसे बाहर की तरफ मूव कर रहा हूं। वो मेरा चॉइस है, आई वांट टू इंक्रीज द एरिया। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा। अगर आप डिक्रीज करते हैं तो भी फ्लक्स चेंज होगा। तो वो तो आपकी चॉइस है कि आप क्या करते हो, बट हमारा मकसद है यहाँ पे एरिया को चेंज करके ईएमएफ बनाना है। और आई थिंक ये सेटअप वैसा ही कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग द आर्म विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। ओके, लेट आफ्टर सम टाइम, ओके, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद, This is the new position of your coil. ये आपकी coil की नई position है, क्योंकि move कर रहे हो ना, तो आप R से कहाँ पहुँच गए? R dash पहुँच गए, और Q से कहाँ पहुँच गए? Q dash पहुँच गए. And let's suppose you have covered the displacement of dx. Okay? So हम लोगों ने कितना displacement किया? So let after time dt. After time dt, मान लेते हैं small time के बाद the arm displaced by dx. तो dt time के बाद arm कितना displaced हो गया? dx हो गया, ये हम लोगों ने मान लिया। Clear है? तो I think पहले तो मैं आपसे एक बार theoretically concept में discuss करता हूँ कि क्या हमारी coil यहाँ पे EMF बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो पहले थ्योरेटिकली बात करते हैं, फिर मैथमेटिकली। तो देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ईएमएफ बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ईएमएफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज क्या है? फ्लक्स चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब देखो टाइम तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, तो वो तो हो रहा है, बट हमारे लिए बस जो हमें करना है, जो चीज हम करेंगे ईएमएफ बनाने के लिए, वो एक चीज है क्या? फ्लक्स चेंज करना है। Point is clear? अब जब हम लोग flux को देखते हैं, when we look at the flux, the formula for the flux is BA cos theta. मैं फिर से repeat कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि ये बार बार repeat होने वाली important चीज है। तो हमारा flux का formula क्या है? BA cos theta. तो अब अगर flux को change करना है, यानी phi की value change करनी है, तो आप B भी change कर सकते हो, area भी change कर सकते हो, और theta भी। B चेंज करके हम लोगों ने देख लिया, जब मैग्नेट को आगे पीछे लाए वो क्लियर हो गया। अब हम लोग एरिया को चेंज करना चाहते हैं, तो अब हमारा आई थिंक वो मकसद पूरा हो रहा है, हमारा मोटो पूरा हो रहा है। हम लोगों ने एक ऐसा सेटअप ले लिया है जिसमें हम लोग एरिया को चेंज कर रहे हैं, कॉइल को चेंज कर रहे हैं। तो इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। नॉर्मली तो हम लोगों ने कॉइल को, यानी जो हमारा सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर होगा, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल को 90 डिग्री पे रखा। सो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? वो भी 90 डिग्री पे होगा। तो बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड? 0 डिग्री। तो इसका मतलब फ्लक्स के लिए थीटा कितना डिग्री होगा? 0। तो हम लोग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से रख रहे हैं कि थीटा जीरो रहे। Why? थीटा जीरो क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि फ्लक्स कॉस ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करता है, और ये तो आप सब जानते हैं कॉस जीरो का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और ये कॉस ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम चाहेंगे ना, ये तो हम चाहेंगे कि हमारा जो फ्लक्स चेंज है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। ओके, फ्लक्स में जो चेंज आएगा वो एरिया की वजह से आएगा, बट थीटा अपना जो रोल दिखाए वो ज्यादा से, यानी कॉस थीटा की भी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो। बट ना तो हम थीटा चेंज कर रहे, तो कॉइल एज इट इज है, तो वो थीटा हमेशा 0 डिग्री बना रहेगा। सेकेंडली, ना ही हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे यहाँ पे, और आप लोग चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे दैट कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने यूनिफॉर्मली है हर जगह, तो कांस्टेंट है। तो हमारा बी भी सेम है, थीटा भी सेम है, केवल एरिया चेंज हो रहा है। तो आई थिंक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ईएमएफ यहाँ पे बनने वाला है।
बाय चेंजिंग द एरिया, जिससे फ्लक्स चेंज होगा, जिससे ईएमएफ बनेगा। चलिए अब इस ईएमएफ इंड्यूस का करंट फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं कि ये पता लगाते हैं कितना बनेगा। सो दस इंड्यूस और इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, तो किसने फॉर्मूला दिया था? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआर। तो फैराडे का लॉ ऑफ ईएमआई देखें, तो इट सेज ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू डी फाई बाय डीटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पे एक ही कॉइल लिया है, सो आई हैव टेकन ओनली वन कॉइल, तो इसका मतलब मैंने नंबर ऑफ टर्न केवल एक ही लिया है। सेकेंडली, सिंस फैराडे ने तो हमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला दिया था, बट आगे जाके इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस किया किसने? लेंजेस ने, जिसने डायरेक्शन को भी स्टडी किया। तो डायरेक्शन हमेशा कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट, और जिसको हम लोग नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। बट तो फॉर्मूला तो आप लोगों को माइनस डी फाइव बाई डी टी यूज करना है, बट मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग द नेगेटिव साइन, आई हैव द पर्पस। द पर्पस इज द यूज ऑफ द नेगेटिव साइन इज जस्ट ओनली इंडिकेट डायरेक्शन। तो वो जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन के बारे में बात करने के लिए है, और मैं अभी आपके सामने केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहता हूं, डायरेक्शन की बात मैं बाद में करूंगा। सो आई एम गोइंग टू टेक मैग्नीट्यूड सेपरेटली एंड डायरेक्शन सेपरेटली। तो मैं मैग्नीट्यूड को पहले पढ़ूंगा, फिर डायरेक्शन को पढ़ूंगा। आई विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन, बट मैं एक साथ नहीं ले रहा हूं यहां पे, ठीक है? तो अभी केवल मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर आप नेगेटिव साइन क्यों यूज नहीं कर रहे हो। तो चलिए लगाते हैं काम। E is equal to d by dt, flux का फॉर्मूला, b a cos theta, और यहां पे थीटा हमेशा कितना डिग्री है? 0 degree। प्लीज थीटा की डेफिनेशन क्लियर रखिए, इट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम है क्योंकि सरफेस के साथ 90 डिग्री पे है। तो आपके पास EMF इंड्यूस कितना बना? d by dt of ba। ओके, सो E is equal to, B तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, तो क्या बचा? dA by dt। ओके, नाउ एवरीवन, विल यू जस्ट रिकॉल, आप ही प्लीज, जैसे हम लोग तो वैसे ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट फिर भी आप एक बार मन में मुझे बताएंगे, मतलब खुद से जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ ना, तो प्लीज उसका आंसर इंस्टेंटली देने की कोशिश किया करो, ताकि क्लासरूम वाली फीलिंग सी आती रहे। सो व्हाट इज दैट dA स्टैंड्स फॉर? dA का मतलब क्या है? चेंज इन एरिया। dA का मतलब क्या है? चेंज इन एरिया। तो प्लीज बैक टू द डायग्राम, हमारा इनिशियल कॉइल क्या था? हमारा कॉइल पहले क्या था? पी क्यू आर एस, ये हमारा पहले कॉइल था। हमारा फाइनल कॉइल का शेप क्या है? पी क्यू डैश आर डैश एस डैश, ये हमारा फाइनल है। तो पहले आप पी क्यू आर एस थे, अब आप पी क्यू डैश आर डैश और एस हो, तो आपके अंदर चेंज तो हुआ है। तो बताइए चेंज कहां पे हुआ है? तो हमारा चेंज हुआ है ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया दैट वी हैव चेंज, ये हमारा चेंज इन एरिया है। ओके, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो बात नहीं है, बस चेंज होना चाहिए, हो गया भाई चेंज। हाँ, अगर आप इस कॉइल को अंदर की तरफ लेके जाते तो बस डिक्रीज हो जाता, बट होता तो चेंज ना। तो चेंज इन एरिया, यानी हमें ये एरिया चाहिए, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हो, इस शेडेड पार्ट का एरिया कितना है? यही तो चेंज इन एरिया। तो इस शेडेड पार्ट की लेंथ कितनी है? L, जो हम लोगों ने मूवेबल आर्म की ली थी, और इस शेडेड पार्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? dx, जो कि d टाइम में किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो आपका चेंज इन एरिया कितना हुआ? इट इज L into dx divided by d। Am I clear? ये बात बिल्कुल क्लियर है। dA चेंज इन एरिया को मैं क्या लिख रहा हूं? L into dx, I think length into width, length L है, width dx है हमारी, क्लियर है? तो हमारे पास EMF क्या बना? BL dx by dt, क्लियर? And इस चीज के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। What is dx by dt? It is the rate of change of displacement, which is the velocity. तो वही तो होता है, dx by dt क्या होता है? मैं यहाँ पे mention कर देता हूँ। Since rate of change of displacement क्या होता है? Velocity. So what is the EMF induced? EMF induced in the coil.
अगर हम लोग कॉइल का एरिया चेंज करते हैं, एरिया चेंज कैसे करते हैं, अगर हम कॉइल की एक आर्म को v वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली b मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करते हैं, तो उस आर्म का लेंथ क्या है, l। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, v से, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, b। तो emf कितना इंड्यूस होगा, emf will be blv। So what is the emf induced is blv। B stands for the magnetic field। Please मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये अपने numerical में बहुत काम आएगा। B का मतलब magnetic field normal to coil। वो वाली magnetic field जो coil के normal है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वाली magnetic field जो coil के, please इस statement को जो अभी बोलने जा रहा हूँ इसे दिमाग में रखिए, क्योंकि बहुत सारे numerical इसी बात पे होने वाले हैं आगे, क्योंकि जो आपको confuse करेंगे। तो स्टेटमेंट इज, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हमें ईएमएफ बना के दे रहा है। सो वो वाला मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ बना के देता है जो कॉइल के साथ नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉइल के साथ नॉर्मल होगा वही तो फ्लक्स बनेगा कॉइल के लिए। क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द कॉइल नॉर्मली। तो ऑब्वियस सी बात है, वही मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का काम करेगी जो नॉर्मल है। जो फ्लक्स का काम करेगी वही तो ईएमएफ बना के देगी। तो इन फ्यूचर अभी आपको बाय द एंड ऑफ द लेक्चर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे जहां पे आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, टू मैग्नेटिक फील्ड्स। अब आपको दोनों में से एक चूज करनी है, क्योंकि दोनों में से एक ही मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। अब टीचर आपसे पूछ रहा है ईएमएफ बना, ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ। तो सिंस आपकी कॉइल क्या कर रही है, मूव, कॉइल मूव मतलब एक आर्म मूव कर रहा है, और ये क्या है, v, v का मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या दिखाता है आपके अंदर, जब भी मैं आपको बोलता हूँ वेलोसिटी है हमारे पास, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में घंटी बजती है, क्या मोशन है हमारे पास। इसलिए इस ईएमएफ का नाम क्या दिया है, मोशनल ईएमएफ। वैसे है ये वही ईएमएफ, बट इसका पर्टिकुलर नेम क्या दिया है आपको, द पर्टिकुलर नेम दैट इज गिवन टू अस इज मोशनल ईएमएफ। व्हाई? क्योंकि इसमें वेलोसिटी का बात किया गया है, वेलोसिटी को कंसीडर किया गया है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैग्नेटिक फील्ड, जो ये रेड लाइन है, प्लीज इसे हाईलाइट करके लिखना। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, उस न्यूमेरिकल में आपको मिलेंगे दो मैग्नेटिक फील्ड जो अलग अलग डायरेक्शन में। तो अब आपसे पूछा गया ईएमएफ, तो डेफिनेटली ईएमएफ उसी मैग्नेटिक फील्ड को लेके बनाया जाएगा जो कि कॉइल के नॉर्मल होगी। क्योंकि जो कॉइल के नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है वही आपके लिए फ्लक्स है, और जो आपके लिए फ्लक्स है वही आपके लिए ईएमएफ बना के देगा। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है कि जब भी यहाँ पे अगर एक सवाल मेरे पास आया था कि सर नॉर्मल ही क्यों ली हमने फ्लक्स बनाने के लिए, यानी उसी से ईएमएफ क्यों बनता है। क्योंकि देखो ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी एक ऐसा अमाउंट ऑफ फोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन जो आपके चार्जेस को मूव करेगा। और ये तो आप जानते हैं, चार्ज प्लेस इन अ और चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज बी क्यू वी साइन थीटा। अगर एक लॉजिकली देखे जाए, साइन थीटा पे डिपेंड करता है। तो वो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पे, वो मैक्सिमम कब होता है, जब आपका एंगल 90 डिग्री हो। तो यानी वही मैग्नेटिक फील्ड सबसे मैक्सिमम फोर्स लगाएगी जो 90 डिग्री पे होगी, वो यानी वही ईएमएफ बनाएगी। यानी हर बार वही मैग्नेटिक फील्ड लेनी है ईएमएफ बनाने में, चाहे कोई भी हो ईएमएफ में, चाहे कैसा भी बना रहे हो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो पुरानी असाइनमेंट में, चाहे अगर ये पर्टिकुलर स्पेशल केस आया जिसमें एक लेंथ ऑफ आर्म है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड वही लेनी है जो नॉर्मल टू द सरफेस है। रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके, सो नाउ, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस, तो इसे हम लोग मोशनल ईएमएफ बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोशन की बात हो रही है। तो कितना हुआ, बी एल वी। तो यानी लास्ट लेक्चर में हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला था NdΦ/dt मैग्नीट्यूडली, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला। तो ये तो आप जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, वो तो हालात देखेंगे कि किस फॉर्म में गिवन है। अगर वेलोसिटी की बात कर रहा है तो यहाँ पे, और अगर पुरानी टर्म में बात कर रहा है थीटा की, एरिया की, बी की, फ्लक्स की, तो हम पुराना तरीका यूज करेंगे। गॉट दैट पॉइंट। चलिए ईएमएफ हो गया, तो बताएंगे करंट कितना होगा। सो करंट इंड्यूस, अगर आपने ईएमएफ बना लिया तो करंट भी बता ही सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू
E by R, where R represents resistance. Okay, resistance of this arm जो move कर रही है, तो क्या बना formula? B L V by R. So this is the amount of current induced. ये वो current है जो coil में move करने के बाद बना है, motional here. So EMF कितना? B L V. और करंट कितना? बी एल वी बाय आर. क्लियर? बट प्लीज क्लियर दैट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. मैं आपसे केवल मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं, डायरेक्शन का बात अभी मैं आपके साथ करूंगा. क्लियर है? तो इसलिए मैंने वहां पे नेगेटिव साइन यूज नहीं किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय पॉजिंग दिस वीडियो, मींस यहां पे पॉज करके आप जब रिपीट करके अपने नोट्स बनाएंगे, तो प्लीज अपना डायग्राम, कंसिडरेशन और ईएमएफ और करंट कैलकुलेट करें. Now let's talk about the direction. So चलिए direction के बारे में बात करते हैं. और ये rule आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो वैसे तो direction तो Lenz ने दे दिया था. Then direction क्या था? कि आपका जो current induce होगा वो हमेशा cause of production के opposite होगा, यानी जो भी आप करना चाहते हो उसके opposite होगा. तो वो अच्छा है, ठीक है, बट वो कोई पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग नहीं बताता. वो नहीं बताता कि यहाँ है यहाँ, वो बस ये बोल रहा है कि करंट हमेशा ऐसा इंड्यूस होगा कि कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट. तो इसके बाद देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम एज, जिसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, फ्लेमिंग्स. उन्होंने हमें एक नेक्स्ट रूल दिया एंड द नेम ऑफ द रूल इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. सो व्हाट इज द नेम ऑफ, सॉरी माय मिस्टेक हियर, राइट हैंड रूल. तो उन्होंने हमें एक रूल दिया इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए, इस केस के लिए, केवल इस केस की बात कर रहा हूं. ओके, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. तो रूल क्या कहता है, प्लीज 10th क्लास में पढ़ा था. तो लेफ्ट हैंड रूल आपको मालूम है, तो लेफ्ट हैंड रूल किसकी डायरेक्शन देता था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल. आज राइट हैंड रूल पढ़ रहे हैं और राइट हैंड रूल आपको किसकी डायरेक्शन देगा, प्लीज लिख लीजिए. इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. कंफ्यूज नहीं होना है. Do not get confused in the Fleming left hand rule and Fleming right hand rule. ये बहुत ज्यादा गलती होता है यार, 10th क्लास में भी चलता आ रहा था, जहां पे राइट लगाना वहां लेफ्ट लगा देते और लेफ्ट लगाना वहां पे राइट. ये नहीं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपकी फोर्स की डायरेक्शन के लिए और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करंट की डायरेक्शन के लिए. पैरामीटर्स क्लियर है. What are the parameters? That if we stretch our thumb, first finger and middle finger mutually perpendicular to each other. अगर हम अपना thumb, first finger और middle finger को mutually perpendicularly stretch करते हैं, then in that case, if first finger represents the direction of magnetic field, thumb represents the direction of force, then the current would be given by the middle finger. वही है यार, force, magnetic field, current, FBI, father, mother, child. Father means force, mother, M, magnetic field, child, C, मतलब current. या फिर ऐसे पढ़ लो, FBI, F means force, B means magnetic field, I means current. तो symbolic representation वही है, बस एक चीज बदली है, वो ये कि यहाँ पे हम force लगाएंगे तभी तो कोई चीज move होगी, हम फोर्स लगाएंगे तभी तो मैग्नेट आगे पीछे मूव होता था. तो यहाँ पे भी है, जब तक हम फोर्स ही नहीं लगाएंगे, यानी जब तक आप एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी ही खर्च नहीं करोगे, तब तक ये क्यू आर, क्यू डैश आर डैश तक कैसे आएगा? ये तो लॉज ऑफ मोशन का वायोलेशन हो गया. फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दैट अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा. तो अगर आपने फोर्स ही नहीं लगाया तो क्यू आर, क्यू डैश आर डैश पे आएगा कैसे? तो हमें फोर्स लगाना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड देनी है, तो हमारे पास करंट इंड्यूस होगा. क्योंकि फोर्स लगाने से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय अप्लाइंग द फोर्स हम लोग यहाँ पे एरिया चेंज कर रहे हैं. मकसद को मत भूलिए इस लेक्चर के को, हमें एरिया चेंज करके करंट बनाना था. तो फोर्स अप्लाई करके हम एरिया चेंज कर रहे हैं, एरिया चेंज करके हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए ईएमएफ बन रहा है और ईएमएफ बन रहा है इसलिए करंट बन रहा है. तो सीधी सी बात है, फोर्स लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट बनेगा. क्लियर है? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इट इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. याद रखेंगे प्लीज, इसका स्टेटमेंट 10th क्लास में होता था, तो इस चीज को यहां पे इलैबोरेट नहीं करते हैं कि लिखना.
क्योंकि सबको मालूम है 12th क्लास बोर्ड, अगर मैं आपको फ्रेंकली बोलूं 12th सीबीएसई बोर्ड और फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे इसका स्टेटमेंट तो नहीं पूछने वाले, वो 10th क्लास में होता था। जैसे सीरीज पैरेलल रजिस्टर्स में नहीं होता था, रजिस्टर का सीरीज पैरेलल 10th क्लास का था तो वो स्किप हो गया, अब कोई भी बोर्ड में नहीं पूछता, वो सिलेबस में था बट फॉर्चुनेट हट गया। बट फिर वही बात, इसे हटाना तो कोई ऐसा थोड़ी है कि उसे हटा दिया तो हम लोग आगे सीरीज पैरेलल जो कि किरचॉफ लॉ में यूज कर रहे हैं, मीटर ब्रिज में यूज कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर के एमीटर और वोल्ट मीटर में यूज कर रहे हैं, तो हम यूज ही नहीं करेंगे। कैपेसिटर में भी सीरीज पैरेलल हो रहा है, रूल अलग है बट कॉन्सेप्ट तो सीरीज पैरेलल का है, तो ऐसा नहीं है। बट फिर भी वो वहां हट गया था, क्लियर है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, अगर आप अपना स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। दैट इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ थंब रिप्रेजेंट्स द फोर्स, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द व्हाट, मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, देन अगर ये दोनों है तो करंट बनेगा, देन द करंट डायरेक्शन वुड बी गिवन बाय द मिडिल फिंगर। ओके, इफ thumb represents the force, first finger, अगर गलती से प्लीज मिडल फिंगर बोल गया हूं, this is the your force, first finger represents the force, okay, sorry, thumb represents the force, first finger represents the direction of magnetic field, then the direction of induced current, जो करंट बना है उसकी direction कौन देगा, middle finger। चलिए apply करें, where is the magnetic field, the magnetic field is inward, force क्या लगा रहे हैं, बाहर की तरफ, so force is being applied outward, so where is the direction of current, तो current कहाँ लगा, ऊपर की तरफ, so हमारे पास current की direction क्या आएगी यहाँ पे, the direction of current would be upward। तो इसे मैं थोड़ा सा dark कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा symbols use किए हुए हैं तो शायद might be confused हो जाए। तो ये हमारे current की direction है ऊपर की तरफ, so आपका current कहाँ से कहाँ जाएगा, R dash से Q dash। So I think clear. So इसका मतलब हम लोगों ने points clear कर लिए। What are the points जो हम लोगों ने clear किए? That EMF कितना induce होगा? BLV current, BLV by R और उसकी direction के लिए कौन सा rule use करेंगे? Fleming right hand rule. Done है? चलिए। तो वैसे तो motional EMF हो गया, but इसको और ज़्यादा elaborate करते हैं और इसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो मैं पहले दोनों expressions को यहीं पे आपके सामने लिख देता हूँ। EMF induced is BLV and current is equal to BLV by R. अब सोचिए सब, अब सब ध्यान देंगे प्लीज। कॉइल में QR कॉइल में जो कि Q dash R dash पे आ चुकी है, क्या बन गया है QR कॉइल में? करंट बन गया। तो इसके पास अब करंट है। तो अब अपने आप को प्लीज थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाइए, यानी प्लीज टेक योरसेल्फ टू द बैक साइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और वहां से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट टू था, और उस पार्ट टू में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था। व्हाट वाज द टॉपिक? व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये टॉपिक था, सॉरी। ओके, तो अब यहां पर आइए, Q dash R dash एक कंडक्टर था डेफिनेटली, और हम लोगों ने पहले उसे मूव किया, हमने फ्लक्स चेंज किया तो EMF बना, तो करंट बन गया। अब करंट बनने के बाद देखिए प्लीज, एवरीवन चेक दिस आउट, करंट बनने के बाद की कहानी क्या है? अब तक की तो कहानी आई थिंक क्लियर है सबको ना। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ करंट, ये क्या है? कंडक्टर क्या है उसके पास? करंट, और किसमें रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और डेफिनेटली अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख रहे हैं तो उसे क्या एक्सपीरियंस होने वाला है? फोर्स। तो ये कहानी है करंट बनने के बाद। तो आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ करंट, आफ्टर इंडक्शन ऑफ करंट, तो क्या हुआ? आफ्टर इंडक्शन ऑफ करंट। ओके, ये टॉपिक है ना। वैसे तो मोशनल ईएमएफ में करंट है, बट अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाता है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ, तो आप या करंट या मोशनल ईएमएफ, तो आप यहीं तक करेंगे। मैं आगे की स्टोरी बता रहा हूं क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज प्रूफ करके जाऊंगा जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, वो फिर लास्ट में बात करेंगे क्या है। तो करंट के बाद, करंट बनने के बाद क्या हुआ?
करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट बनने के बाद क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर, वही हमारा क्यू डैश आर डैश, ओके वही है यार, नाम अलग बदला है क्योंकि पोजीशन अलग थी, इज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसे क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स, सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर, ये तो लगेगा ही लगेगा। ओके देखो हमने फोर्स लगाया था, प्लीज एवरीवन, हमने फोर्स लगाया था बाहर की तरफ ताकि हम उसका एरिया चेंज कर सके, ताकि जिससे आगे जाके फ्लक्स चेंज हो सके, बट ये वो फोर्स है जो कि करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसकी वजह से जो फोर्स बन रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जिसे बुलाते हैं, ये वो है। तो यानी आप एक तरीके से बोल सकते हो ये मैग्नेटिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक। हमारा फोर्स कहां था भाई, बाहर की तरफ, चलो हम अपने फोर्स को बाहर की तरफ ले लेते हैं, मींस इट इज बीइंग टेकन बाय मैकेनिकल फोर्स बोल लो इसे, कौन सा फोर्स, मैकेनिकल, मोस्ट मैकेनिकल मतलब जो हमने लगाया, मैकेनिकल वर्क जो हमने किया, तो हमने तो बाहर लगाया, अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की जो कि आया करंट बनने के बाद, तो इसके बारे में बात करते पहले, तो कितना करंट, कितना फोर्स लगा, बी आई एल साइन थीटा, ओके तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, आई मीन्स करंट, और इसके पास करंट कितना है, ऑलरेडी आ चुका है बी एल वी बाय आर, ये वो करंट है, इनटू लेंथ, अब आ जाइए थीटा। अब अगर आप इस थीटा को डिफाइन करें तो इस थीटा का मतलब क्या है, दैट स्टैंड फॉर एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, सीधी सी बात है, ये इस देखो एक फ्लक्स में थीटा होता है उसका मीनिंग अलग है, एक यहां पे एंगल है इसका मीनिंग अलग है, इसलिए मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता हूं कि जब भी कोई एक्सप्रेशन पढ़े और उस पे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है एंगल के साथ, तो हमें उस एंगल को बार बार डिफाइन करना है, बार बार बोलने की हैबिट बनानी है, क्योंकि यही वो माइन्यूट से बेसिक पॉइंट है जिसे हम स्किप कर जाते हैं। तो यहां पे थीटा का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जहां पे करंट की डायरेक्शन होती है, गॉट दैट पॉइंट, ये चीज ऑलरेडी पढ़ी जा चुकी है, तो हमारा करंट जा रहा था ऊपर, तो हमारी लेंथ वेक्टर भी होगी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, चलो वो पता लगाते, तो पहले तो फोर्स कितना लगा, बी एल स्क्वायर वी बाय आर, तो पहले तो थीटा पता लगाओ, एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो लेंथ वेक्टर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड कहां थी, इनवर्ड, तो थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि लेंथ वेक्टर यहां पे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और सिंस थीटा यहां पे 90 डिग्री है तो साइन 91, तो मैकेनिकल फोर्स कितना लगा, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा, कितना लगा, बी एल स्क्वायर वी बाय आर, तो ये फोर्स मैग्नेट की वजह से यानी करंट बनने के बाद आया। तो बताइए इस फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सा रूल देता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अब देखो यहां पे जो आप लोगों ने पुराना पढ़ा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ कहता हूं कि हमारी कहानी जुड़ती चली जा रही है, चार्ज से करंट, करंट से मैग्नेटिक, और उसी से अब वापस से करंट बना रहे हैं। अब सिंस करंट बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट है, क्योंकि आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो डेफिनेटली वहां पे फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो बताइए इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें, तो फोर्स की डायरेक्शन कौन देता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो चलो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो ये फोर्स होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट तो इंड्यूस कर लिया पहले, अब निकाल दे मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड, करंट का ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां लगा, अंदर की तरफ। सो वेयर इज योर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग, एफ डैश, अंदर की तरफ। तो अब देखिए हमने फोर्स कहां लगाया था, बाहर की तरफ, मतलब हम उसे बाहर की तरफ लेके आना चाहते थे। अब हमारे फोर्स लगाने की वजह से कॉइल मोशन में आया, देखो मोशन में आया, इसलिए कॉइल ने अपनी पोजीशन शिफ्ट, मतलब आर्म ने अपनी पोजीशन शिफ्ट किया, आर्म का पोजीशन शिफ्ट हुआ, दैट्स व्हाई एरिया चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ दैट्स व्हाई फ्लक्स चेंजेस, फ्लक्स चेंज हुआ इसलिए ईएमएफ बना, और ईएमएफ था इसलिए करंट बना। अब करंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में,
तो उसकी वजह से अब मैग्नेटिक फोर्स लगा। तो सीधी सी बात है, हमने तो लगाया बाहर की तरफ, बट करंट की वजह से एक नया फोर्स बना अंदर की तरफ। तो अब देखो हमारा जो डायरेक्शन था, हम क्या काम कर रहे थे, बाहर की तरफ, बट करंट कुछ इस तरीके से बना कि उसने खुद एक मैग्नेटिक फोर्स बनाया। ये मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो डेफिनेटली ये फोर्स करंट बनने के बाद ही आया। तो करंट कुछ इस तरीके से बना कि उसने एक मैग्नेटिक फोर्स बनाया, और वो मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों से बिल्कुल अपोजिट था। देखो चेक दिस आउट, हमने करंट की डायरेक्शन निकाली फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स बना वो निकला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और वो हमारी वाली डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। और लेंजेस क्या बोलता है, व्हाट डज द लेंजेस स्टेट्स, लेंजेस स्टेट्स द इंड्यूस करंट, जो करंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, द इंड्यूस करंट वुड बी इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो हमेशा अपने बनाने वाले को अपोज करेगा। और इधर बनाने वाला कौन था, बाहर की तरफ कॉइल को लेके जाना। अब जैसे बाहर की तरफ कॉइल को लेके जाएंगे तो हमारे पास करंट बनेगा, बट वो करंट ऐसा बनेगा कि वो हमें अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मैंने कॉइल को बाहर लिया, आप एक बार खुद से अगर ट्राई करना चाहें, खुद को इनहांस करना चाहें, तो लेट अस ट्राई, आप एक बार कॉइल को अंदर की तरफ लीजिए, आप कॉइल के वेलोसिटी अंदर लीजिए, मैकेनिकल फोर्स अंदर की तरफ लगाइए, तो फिर देखिए आपका करंट कैसा बनता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को ध्यान में रख के करना, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो करंट कहाँ होगा, और फिर उस करंट से फिर फोर्स बनाओ। आप चेकआउट करेंगे कि अगर आप मैकेनिकल फोर्स अंदर लगाते हैं तो आपका मैग्नेटिक फोर्स आपको बाहर खींचने की कोशिश करेगा, और अगर आप बाहर जाते हैं तो वो आपको अंदर खींचने की कोशिश करेगा। तो एक कंक्लूजन तो यही आया ना कि आप हमेशा कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट, करंट जो बनने वाला करंट है वो आपको हमेशा अपोज करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मैग्नेट को आगे पीछे लाना था फर्स्ट लेक्चर में, चाहे यहाँ पे कॉइल को लेके आना था, हर बार यही होने वाला है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया था, क्यों, ताकि अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आपको अंदर की तरफ खींचेगा, तो ताकि आप अगर v वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो कि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहूं, बट एक ऐसा फोर्स है जो आपको अंदर की तरफ खींचेगा, तो आपको लगातार मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यू हैव टू कंटिन्यूअसली स्पेंड द मैकेनिकल एनर्जी सो दैट यू कैन टेक द आर्म कंटिन्यूअसली विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, ताकि आप उसे v वेलोसिटी से लगातार मूव कर सको, तो उसके लिए आपको मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और अगर आप मैकेनिकल एनर्जी खर्च करते रहोगे, जब तक आप खर्च करते रहोगे ये बाहर की तरफ मूव करता रहेगा, और जब तक मूव करता रहेगा तब तक करंट बनता रहेगा, ठीक है। इसलिए एक ऐसा बंदा, एक ऐसा फोर्स जरूर होगा जो आपके खिलाफ काम करेगा, क्योंकि अगर आपके खिलाफ अगर कोई काम नहीं करता है तो आप काम करना बंद कर देते हो। साइकोलॉजी ह्यूमन, अगर आपके खिलाफ और आपके अगेंस्ट अगर कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है जो आपके बिल्कुल कॉम्पिटिशन, आपको अपोज करता रहे, आपके बिल्कुल आगे जाने की कोशिश करे, तो अगर आप लगातार जीतना चाहते हो, अगर आप लगातार अपने आप को अपसाइड रखना चाहते हो, तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक बार मेहनत की और आप ये सोचो कि मुझे रिजल्ट पूरा टाइम मिलता रहे, ऐसा ही यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कॉइल को एक बार धक्का दे दिया तो एरिया चेंज कर दिया तो ये करंट लगातार लाइफ टाइम तक रहेगा, नहीं, आप जब तक काम करते रहोगे तब तक करंट मिलता रहेगा, यानी जब तक मेहनत करते रहोगे तब तक रिजल्ट आपके पास है। जिस दिन आपने मेहनत करनी बंद कर दी, रिजल्ट आपके पास नहीं रहेगा, क्लियर है। तो चलिए इसको भी पता करते हैं। तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या आई, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज आउट, इज इनवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन बाय व्हाट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, समझ जाओगे। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स इतना लगा, तो चलिए आप पता लगाते हैं कि फोर्स इतना लग रहा है तो बताइए पावर, और वो भी कौन सी, मैकेनिकल। तो हमें कितनी मैकेनिकल पावर खर्च करनी पड़ेगी, तो देखो ये वो फोर्स है जो अंदर की तरफ लग रहा है, ध्यान से रखना, अंदर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, और आप चाहते हैं कि आपकी कॉइल लगातार कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बाहर की तरफ जाती रहे, हम तो ये चाहते थे, तो बताइए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मैकेनिकली, मैकेनिकली हमें भी कंटिन्यूअसली कितना लगाए रखना पड़ेगा, 10 न्यूटन। भाई ये तो वैसे ही है ना जैसे 11th क्लास में था फ्रिक्शन, अगर कार और रोड के बीच में फ्रिक्शन है 5 न्यूटन,
और आप चाहते हो कि आपकी बॉडी की वेलोसिटी ना तो बढ़े ना घटे, बस आप एक सेम वेलोसिटी से चलते रहो, तो आप एक काम कर दो ना, उस 5 फ्रिक्शन को खत्म करते रहो, 5 न्यूटन को खत्म करने का मतलब उसके अगेंस्ट में एक ऐसा फोर्स लगाते रहो जो उस 5 न्यूटन को कैंसिल करता रहेगा, यानी आप उसके अगेंस्ट में एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाते रहो, तो नेट फोर्स कितना लगा? 0। और अगर नेट फोर्स 0 तो वेलोसिटी जितने से चल रहे थे हमेशा उतने से चलते रहोगे। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, बट जिस स्पीड से चल रहे उसी से चलते रहोगे अगर नेट फोर्स 0 है, बट हमारे ऊपर अंदर की तरफ मैग्नेटिक लग रहा था तो उसे ओवरकम करने के लिए मैकेनिकल भी लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैकेनिकल लगाएंगे तो पावर कितनी होगी? मैकेनिकल पावर, तो पावर का फॉर्मूला सब जानते हो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्लास 11th याद कीजिए, वर्क एनर्जी पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, बट कौन सा फोर्स? मैकेनिकल। और मैकेनिकल फोर्स न्यूमेरिकली कितना होना चाहिए? जितना हम लोगों को मैग्नेटिक एक्सपीरियंस हुआ, जितना अंदर लग रहा है उतना ही तो बाहर लगाना पड़ेगा, तो कितना? बी एल स्क्वायर वी बाय आर इनटू वी। तो बताइए मैकेनिकल पावर कितनी खर्च करनी पड़ेगी? मैकेनिकल मतलब आपको बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय दिस इज द अमाउंट ऑफ पावर जो आपको स्पेंड करना पड़ेगा इफ अगर हम उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चाहते हैं। सो मैकेनिकल पावर मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर हम चाहते हैं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमने तो पावर खर्च कर दी। अब सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन राइजेस हियर, कि हमने जो पावर और हमने जो मैकेनिकल एनर्जी खर्च किया अब वो कहां गई? तो सीधा सा बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय। तो मैं आपसे कल से क्या बात कर रहा हूं, मीन्स लास्ट लेक्चर से, और आज भी मैंने बात की कि जितना भी हम खर्च करेंगे मैकेनिकल उतनी ही इलेक्ट्रिकल बनेगी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगा, तो हम जितनी खर्च कर रहे हैं डिस्ट्रॉय नहीं हो रही और इलेक्ट्रिसिटी अपने आप नहीं बढ़ रही। तो चलिए आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक पावर बनाए, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है भाई, जाओ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, वी मींस पोटेंशियल, और पोटेंशियल हमारा कितना है, हमारे पास पोटेंशियल कितना है, यहां पे हमारे पास पोटेंशियल है आपके पास जो आपने BLG बनाया था। ठीक है, ओके, सॉरी माय मिस्टेक एवरीवन, प्लीज, दैट इज वन स्मॉल मिस्टेक जो मैं स्किप कर गया हूं यार, इट वाज बी स्क्वायर स्टार्टिंग से, यार बी स्क्वायर चल रहा था, ओके आई स्किप्ड, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर फोर्स लगा, तो यही हमारा मैग्नेटिक फोर्स है और मैग्नीट्यूडली यही हमारा मैकेनिकल फोर्स है, मैग्नीट्यूडली, हाँ उसके अपोजिट लगाना पड़ेगा मैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए, बट मैग्नीट्यूडली इतना ही करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पावर आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आप लोग इसे ई आई यानी वी आई भी लिखते हो, तो हमारे पास पावर के बहुत सारे फॉर्मूले, तो आपकी चॉइस है। तो इलेक्ट्रिक पावर पी इलेक्ट्रिक, करंट कितना बना? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हमारा करंट इंड्यूस था इनटू आर, मैं आई स्क्वायर आर को यूज कर रहा हूं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आर कैंसिल, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर कितनी बनी? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर, ये वो पावर है जो बनी है उसमें और ये वो पावर है जो हमने स्पेंड की, और चेक दिस आउट, बोथ द पावर्स आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो क्या चीज प्रूफ हुई? प्रूफ ये हुआ कि जितनी मैकेनिकल पावर हम लोगों ने स्पेंड किया, जितना मैकेनिकल पावर हम लोगों ने खर्च किया, द सेम अमाउंट ऑफ पावर इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में हमारे पास बन रही है, तो जितनी पावर खर्च करेंगे मैकेनिकली उतनी ही इलेक्ट्रिकली होगी। सो दिस इज मोशनल ईएमएफ के बाद, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार डायग्राम को फिर दोबारा से बनाएंगे फोर्स को इंडिकेट करते हुए, और फिर इसे सेट करेंगे टू इंडिकेट कि हमारे पास पावर कितनी बनती है, और ये जो आपका इक्वेशन 1 है और ये जो 2 है, ये जो दोनों इक्वेशन है, इट वेरीफाइज, क्या वेरीफाई करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
ये क्या वेरीफाई करते हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन प्रॉपरली है, जितनी मैकेनिकल एनर्जी खर्च की जा रही है उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉइल के अंदर बन रही है। क्लियर दैट पॉइंट? सो दिस इज होल अबाउट द मोशनल ईएमएफ। ये है हमारे मोशनल ईएमएफ के बारे में सारी चीजें। क्लियर? तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशली एक एरोप्लेन का न्यूमेरिकल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बहुत इजी है, एक बार आप गो थ्रू जाइए। ओके, अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन और ऐसे शेयर करूंगा इन द असाइनमेंट जो न्यूमेरिकल भी डेरिवेशन है, यानी जो अभी डेरिवेशन हम लोगों ने किया, आइदर ई आइदर आई, आइदर फोर्स निकालना या पावर निकालना, यही डेरिवेशन है। बट मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग एक बार उन डेरिवेशंस को चेक जरूर करें, मतलब उन्हें पढ़े जरूर। क्यों? क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम है ना कि हम ये कैसे पता लगाएं कि हमें यही डेरिवेशन करना और यहां तक करना। सो लैंग्वेज को जरूर पढ़ना आना चाहिए, लैंग्वेज पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तो फिर आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंट आएगा और आप लोग उस पर बेटर वे में वर्क कर पाओगे। गॉट दैट पॉइंट? चलिए चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं सिंपल, जिसके जिसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसके बाद आपके सिंपल है। आई एम कॉन्फिडेंट आप लोग लेक्चर को अगर आप लोगों ने पूरा सुना है, पूरा अच्छे से समझा है, सो यू कैन गो विद दैट, आप आराम से चले जाएंगे। ओके, तो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन इज अ जेट प्लेन, आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, अ जेट प्लेन ट्रेवल्स विद वेलोसिटी, एक प्लेन है जो कि वेलोसिटी 450 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपका जो जेट प्लेन है वो 450 मीटर पर सेकेंड से इन वेस्ट ट्रेवल कर रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। ओके, द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज, हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, बट कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज योर 4×10⁻⁴ टेस्ला एंड डिप एंगल, और जिस जगह पे वो ट्रेवल कर रहा है उस जगह पे आपका डिप एंगल 30 डिग्री। तो देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो इसलिए मैंने आपका पुराना चैप्टर थोड़ा सा स्किप रखा था, और मैं चाहता हूं कि आप पुराने चैप्टर को इसके साथ रखो, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक है, अर्थ मैग्नेटिज्म है, ये कंटिन्यूअसली यूज होगा आपके साथ। सो हमारे पास डिप एंगल है, तो अब आपसे सीधा सा सवाल ये पूछा है, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द विंग्स, अक्रॉस द विंग्स ऑफ प्लेन ऑफ लेंथ 30 मीटर। तो जो हमारे प्लेन की विंग्स है, जो पंखड़ियां जिसे बुलाते हैं, वो विंग्स आपकी 30 मीटर लॉन्ग है। ओके, और आपको ये कैलकुलेट करना है कि अक्रॉस द विंग कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और हमें वो पता लगाना है। तो सीधी सी बात है, स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन सिंपल है। ओके, अगर मैं आपको इसका टैगलाइन बताऊं तो बेटा ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है और दिल्ली 2008 में भी आया था। ओके, तो दोनों चीजों में है, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी का तो है ही आपका। तो चलिए इसको चेकआउट करते हैं, प्लेन जा रहा है, ठीक है। अब देखो आप तो जानते हैं कि प्लेन जो है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट। ओके, अब अगर हमारा प्लेन वेस्ट में जा रहा है तो प्लेन की विंग्स ये होंगी। ओके ठीक है, थोड़ा सा समझ जाना, तो प्लेन की विंग्स ऐसे हैं। ओके, अब प्लेन की विंग्स कैसे होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो अर्थ मैग्नेटिज्म है मैंने आपको बताई थी, नॉर्थ पोल कहां है बेटा, वेयर इज नॉर्थ पोल, ऊपर नहीं, नॉर्थ पोल ऊपर थोड़ी है, ये बात हम लोग बार बार करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं, नॉर्थ पोल हमारा वही वाली बात है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही है यार सारे पोल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही है, तो ऊपर थोड़ी है कोई पोल। ओके, तो पहली बात तो ऊपर पोल नहीं है, तो हमारी विंग है ऐसे, तो अगर ये आपका प्लेन जा रहा है तो आपकी विंग कुछ इस तरीके से है, क्लियर है, ये वेस्ट डायरेक्शन है तो डेफिनेटली ये ईस्ट होगा, तो ये आपकी तरफ नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, ये नॉर्थ नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे जा रहे हो, तो आप जा रहे हो हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड, कैसे जा रहे हो, ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल लेवल यानी पैरेलल जा रहे हो,
तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हुई। तो आपका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इसे थोड़ा 3D में सोचने की कोशिश करो। सो प्लेन कैसे मूव कर रहा है? प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, तो डेफिनेटली वहां पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड देगी। अब ये तो सबको मालूम है कि अर्थ के पास दो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां होता है भाई? वो होता है अलोंग द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल कहां होता है? ग्राउंड के साथ लगता है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर लगता है। सीधी सी बात है। तो प्लेन कहां जा रहा है? प्लेन कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है? क्या प्लेन ऐसे मूव करता है? ये गया। नो ना, प्लेन नेवर मूव्स है। वो रॉकेट और बाकी अदर चीजें हैं, मिसाइल वगैरह की बात नहीं कर रहे हम, यहां पे प्लेन की बात कर रहे हैं। तो और हाँ, अगर किसी के दिमाग में आ रहा सर लिफ्ट करते टाइम, तो प्लीज वो थोड़ा बहुत स्किप करिए, क्योंकि उसमें 100% वर्टिकल नहीं है। तो बात ये है कि प्लेन आपका ऐसे नहीं जाने वाला, प्लेन आपका वेस्ट डायरेक्शन में, और डेफिनेटली उसने बोल दिया वेस्ट है। अगर नहीं भी बोलता तो कॉमन सेंस है, हम लोग प्लेन को हॉरिजॉन्टली ही उड़ाते हैं। तो प्लेन अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो प्लेन अगर हॉरिजॉन्टली जा रहा है, आपका उसका मूव करने का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली है, तो इसका मतलब प्लेन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है? विच मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन? कौन सी? हॉरिजॉन्टल। और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन के साथ नॉर्मल पे है? वर्टिकल। और ये तो सबको मालूम है, जो मैग्नेटिक फील्ड, वो स्टेटमेंट मैंने बीच में बोला था ना, याद करो न्यूमेरिकल क्या मायने क्या था, कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कॉइल किसी भी सरफेस के साथ नॉर्मल होगी वही तो फ्लक्स होगी, और जो फ्लक्स होगी वही तो ईएमएफ बना के देगी। तो आपके पास, आपके अर्थ के पास दो मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे हमारी अर्थ के पास, ये हमारा प्लेन का डायरेक्शन है। अगर हम माने प्लेन का डायरेक्शन का मतलब अलोंग द ग्राउंड है, उसके ऊपर जा रहा है बट पैरेलल ही तो जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे प्लेन के लिए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का काम करेगी? सीधा सा सवाल यही है, कौन सी? वर्टिकल। और जो फ्लक्स का काम करेगी वही तो ईएमएफ बना के देगी। तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा किसकी वजह से? होगा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्लियर विद द फॉर्मूला? फॉर्मूला देखो बेटा भैया, बीएलवी मोशनल ईएमएफ, बीएलवी मोशन ही क्यों लिया? क्योंकि मैंने यहां पर वेलोसिटी पढ़ी है, और वेलोसिटी को लेके मोशन का या ईएमएफ का फॉर्मूला इकलौता यही है बेटा, दूसरा कोई नहीं है, तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो फॉर्मूला बीएलवी। बट कंफ्यूजन हो गया कि अर्थ में थे हम लोग, अब अर्थ के पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्लेन वेस्ट में जा रहा है तो अलोंग दी हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल काम करेगी। तो पहला काम वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पे? मैग्नेटिज्म पे, अर्थ मैग्नेटिज्म पे जाइए। और हम जानते हैं BV by BH is equal to tendel। तो पुराना चैप्टर छोड़ना नहीं है यहां पे, चलेगा पुराना चैप्टर। तो यहां से BV कितना आएगा? BH tan 30 डिग्री। डेल कितना है? डिपेंडल 30 डिग्री। सॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक अब EMF इंड्यूस आ जाएगा बेटा। Done. So this is the one numerical जो आप लोगों को यहाँ पे देखना है। Okay? As usual, जो चीज़ मैं बार-बार बोलता हूँ, जो numerical हम लोग यहाँ पे board पे discuss कर रहे हैं, please वो fair में कीजिए। And जो numerical आपको tagline के साथ मिलते हैं, tagline जो board में आए हुए हैं, please उन्हें भी fair अपने notes के साथ ही करो यार। रफ में मत कीजिए, request कर रहा हूँ, क्योंकि रफ में बाद में आपकी वो notebook पता नहीं कहाँ चली जाती है। So it has been humble request, please instruction और guidance के साथ work कीजिए। At the end, I know situation very hard है, very rough है, but फिर भी हम लोग एक extraordinary result, एक extraordinary concept, फिर भी हम लोग अपने physics को इतना comfortable बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं try कर रहा हूँ कि आपको इतना दूर रहने के बावजूद भी समझ में आए। अगर फिर भी डाउट है तो आप अपने क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने क्लियर करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, और कंटिन्यू रखिए इसी टाइप से। गॉट इट? सो प्लीज इसे भी सॉल्व कीजिए। जो आपको असाइनमेंट में क्या मिलते हैं, न्यूमेरिकल मिलते हैं बट बोर्ड में आए हुए हैं, प्लीज उन्हें भी वहां पे कीजिए जरूर फेयर में। हाँ, जो विदाउट टैग लाइन है और आपको लगता है ये सिमिलर टाइप का है, उसे आप रफ में कर सकते हैं। गॉट दैट? सो प्लीज कंप्लीट द लेक्चर 2 ऑफ द ईएमआई, टोटली मोशनल ईएमएफ, जिसमें हम लोगों ने ईएमएफ बनाया क्या चेंज करके?
एरिया चेंज करके. सो विद दैट नोट प्लीज कंप्लीट. सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर.